तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंग्लास क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की जो करंट अफेयर्स है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। ठीक है, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किया गया सम्मानित। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है इसको बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, WHD। क्या है? WHD। इसके जो संस्थापक है वो है अब्दुल वासिद सैयद। संस्थापक कौन है? अब्दुल वासिद सैयद, ये इसके संस्थापक है। ठीक है, और WHD का जो मुख्यालय है वो है लंदन, UK के अंदर। WHD का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन, UK के अंदर। अगला पॉइंट है रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। रेलवे है जो 2030 तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। ठीक है, 2030 तक। अगला पॉइंट है विदु नायर होंगे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत। ठीक है, विदु नायर तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में होंगे तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है असगाबाद। राजधानी क्या है? असगाबाद। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है वो है तुर्कमेनिस्तान मानात। क्या है? तुर्कमेनिस्तान मानात। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री स्वनिधि को योजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश हुआ सबसे आगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि एक योजना है उसमें सबसे आगे मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश हुआ है तो मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अब मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, अगला पॉइंट है चीन ने AP-STAR-6D, चीन ने AP-STAR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। ठीक है, चीन ने एक AP-STAR-6D दूरसंचार उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, अब चीन ने क्या है तो चीन की जो राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और इसकी जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी। ठीक है, मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। ठीक है, युआन। और राष्ट्रपति है जो चीन के वो है सी जिनपिंग। चीन के जो राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति है। अब चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला पॉइंट है वेद प्रकाश दुदेजा, वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा ग्लो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, अगला पॉइंट है HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया, उसका नाम है प्रज्ञाता। ठीक है, उस दिशा निर्देश का नाम क्या है? प्रज्ञाता। अब HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, भारत के HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अगला पॉइंट है रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का किया निर्माण। रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड अशोक लवासा को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष। ADB ने अशोक लवासा को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष। ठीक है, ADB का जो पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का जो पूरा नाम है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ADB के जो हेड हैं वो उनका नाम है मासुंगु अस्कावा। ADB के हेड कौन है? मासुंगु अस्कावा। ठीक है, ADB का जो हेड क्वार्टर है वो है मार्डलियोंग फिलीपींस। ये जो कहाँ पर है? फिलीपींस। ठीक है, मार्डलियोंग फिलीपींस। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1967 के अंदर। ADB की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर
66 को, ठीक है। अगला पॉइंट है, ब्रेटली बने स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रेटली क्रिकेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के, वो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है। अगला पॉइंट है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री है इलिस फाक ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ट्यूनीशिया की जो राष्ट्रपति है वो है कैस सैयद, ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति है कौन है, कैस सैयद, और इसकी जो राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनिस, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस। अगला पॉइंट है, सीसीआई ने एस्को कंपनी द्वारा एससीजी कंपनी में अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी, ठीक है। सीसीआई ने एस्को कंपनी द्वारा एससीजी कंपनी में अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, AAI और BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आपस में क्या कर दिया है, समझौता कर दिया। AAI है, इसका पूरा नाम भारतीय विमान प्राधिकरण, ठीक है, और BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आपस में क्या कर दिया है, समझौता कर दिया। अब AAI के भारत विमान प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो है कौन है, अरविंद सिंह। भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सिंह। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष है MV गौतम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, MV गौतम, ठीक है। यह आज की करंट अफेयर्स थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।